हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है अगर हम बात करें आज की डेट की तो आपको एक ऐसा स्टॉक्स बताने वाले हैं जो कि तीस रुपए के आसपास का स्टॉक्स है पेनी स्टॉक्स है कह सकते हो या कह सकते हो आ, आ, काफी बेहतरीन स्टॉक्स भी नजर आता है पहले भी आपको बताया था वो तीस रुपये के लेवल पर तब वो चालीस रुपए पर जाके गया दोबारा नीचे आया है और एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है तो उसी शेयर से रिलेटेड बात बातें करेंगे बट बिफोर दै वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरी वीडियोस को जाके देखिए ऑलरेडी एक वीडियो यहां पर आ चुकी है बान भागा है बानको प्रोडक्ट्स भागा बताया था वो भागा बताया अगले दिन वो भागा अब यहाँ पर दो स्टॉक्स बताया है, जो कि शायद आपको मंडे को दोबारा भागते हुए दिखाई देंगे तो थोड़ा सा इनकी तरफ ध्यान दीजिए बाकी अगर बात करें बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही आपको कुछ भी आगे बढ़ना है तो अगर हम

डूंग ट्रेड ऑफ फूड आइटम्स मतलब फूड आइटम्स का ट्रेड भी करता है तो अब सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ बिल्कुल छोटी कंपनी है जितना मार्केट कैप है उसके उसी के आसपास का प्राइस भी चल रहा है मतलब 31 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है और इकतीस बत्तीस रुपए के आसपास का ये शेयर भी है तैतीसौ रुपए का है एक्चुअली और हम यहाँ पर बात करें मार्केट कैप बिल्कुल ही छोटा है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ज्यादा पैसे नहीं लगाने भागेगा तो तेज भागेगा गिरेगा तो तेज भागे गिरेगा डेट टू इक्विटी की बात करें तो एटी का यहाँ पर डेट भी है प्लेजिंग की बात करें कोई शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है यहाँ पर जब यहाँ पर अभी फोर्टी थ्रीटी रूपीज तक भागता हुआ दिखाई दिया था फिर यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया है फिफ्टी फिफ्टी टू वीक हाई है और फिफ्टी टू वीक लो यहाँ पर दिखा रखा है सबसे मेन बात अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी बुक वैल्यू है फोर्टी टू रुपीज मतलब इसका जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए ना वो कम से कम से रुपए तो होना ही चाहिए आप कंपनी करती क्या है जेलेटिन कैप्सूल क्या होता है तो आप यहाँ पर दवाई खाते हैं और दवाई में कैप्सूल्स आती है तो उसमें जो कैप्सूल्स के अंदर मतलब जो अंदर पो, 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 आ, बात करें यहाँ पर जो सबस्टांस भरे रहते हैं ओके बट ऊपर कुछ शेल्स होती है जो जिसे हम कैप्सूल कहते हैं ओके okay, वो बनाने का काम है मतलब ये जो ऊपर की शेल होती है ना ये बनाती है कंपनी और यहाँ पर इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक बार वीडियो बनाई थी यहाँ पर अगर मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर हम एक बार आते हैं और यहाँ पर देखते हैं सनलॉक तो यहाँ पर आपको पता है एक मिनट सुनील हेल्थ केयर डालते हैं हम्म तो यहाँ पर देखिए एक महीने पहले ही बताया सबसे ऐसा से पहले कल रेस्ट सॉरी हम्म

पोलेलन कैप्सूल से रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आते हैं यहाँ पर इनके बारे में एक बार जाइएगा पता करिएगा यहाँ पर वेबसाइट पे जाएंगे एक करके। तो यहां पर एक करके तो यहाँ पर इन एक एक करके यहाँ पर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा एक्जैक्टली exactly यहाँ पर ये कंपनी क्या किस तरीके से किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है और यहाँ पर अगर हम बात करें इस कंपनी की तो यहाँ पर ये बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं जितने भी यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज फार्मास्यूटिकल्स कंपनी नजर आती है ना उनके लिए काम करता है देखिए पर मेजर स्टीम क्लाइंट जैसे कि इंडिया अजंता फार्मा एलकम लेबोरेटरी कैडिलास के हिमालय इंटास्क इन, फाइजर सन फार्मा विश्व भेषम यहाँ पर ये कंपनी

और कंपनी ने हाईएस्ट एवर यहाँ पर नंबर पोस्ट किया है इस बार का और नेट प्रॉफिट की बात करें जहाँ पर वो नेगेटिव में यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट था वो हाइएस्ट यहाँ पर बात करें कंपनी का इक्कीस लाख रुपए का यहां पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया छोटी सी कंपनी है इकतीस करोड़ की कंपनी है तो यहाँ पर ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इनका यहाँ पर दो में कंपनी जब आई यहाँ पर लिस्ट हुई उसके बाद गिरता हुआ नजर आया यहाँ पर दो तक बट यहाँ पर कोविड की सिचुएशन आई तो यहां पर दोबारा भागता हुआ दिखाई दिया और अभी दोबारा कंपनी ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है है और और मुझे लगता है कि कंपनी आगे अच्छा पर पैसा, हजार है कि नहीं। क्योंकि पर, आ, कुछ चार्ट पैटर्न टेक्निकल टेक्निकल कुछ कहते हैं इस वजह से हम यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे ऑर्डर लगाया था ऑर्डर हिट नहीं हो पाया कोई इशू नहीं है नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कंसोलिडेट की बात करते हैं थोड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है बट हम वैसे बात करते हैं स्टैंड ऑन नंबर की तो यहाँ पर पचपन लाख रुपए का प्रॉफिट है कंपनी को यहाँ पर ईयरली बेस पर भी बात करते हैं कंपनी दस साल हो गए लगभग एक ही दायरे में यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर बात करे सॉरी यहाँ पर बैलेंस शीट यहाँ पर है यहाँ पर देखे यहाँ पर नंबर कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पर देखिए कंपनी मतलब कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर ग्रोथ कर ग्रोथ यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है तो कंपनी अच्छी खासी है इतनी बेकार कंपनी भी नहीं रिजर्व की बात करें सैंतीस करोड़ के रिजर्व है और उतनी ही लगभग यहां पर बोरिंग भी है जो कि यहां पर ऊपर देखा भी था एटी करोड़ बट ओवरऑल बात करते हैं तो यहाँ इस हिसाब से देखा जाता है रिजर्व प्लस में शेयर प, शेयर कैपिटल माइनस में माइनस ये कर देंगे तो लगभग फिर भी दस करोड़ रुपए कंपनी के पास बचते हैं वर्किंग प्रोग्रेस में तो कुछ खास यहाँ पर पैसे नहीं लगे हुए इन्वेस्टमेंट एक करोड़ दो वन करोड़ रुपीज का लगा हुआ है कैश की बात करें सात आठ करोड़ रुपए का कैश भी है कंपनी के पास ट्रेड रिसेबल अच्छा खासा हुआ है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई दे रहा है इनके काफी अच्छी यहाँ पर सब कुछ मतलब अच्छा खासा यहाँ पर नजर आ रहा है कंपनी देखिए जो की कम यहाँ पर आरओ सी पे चल रही

11 की पर 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 आती है, तो पर, आ, पर है, तो के आसपास ही पब्लिक जिसमें बड़े और बड़े और और लोग भी और शामिल होंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर इसके चार्ट पैटर्न की तरफ एक बार चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं इस के तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो पे हमें यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ पर देखिए तो कंपनी इसी रेट पे मतलब अट्ठाईस रुपए के आसपास आती हुई दिखाई दी और कुछ यहां पर बड़ी नहीं है 2014 की बात बता रहा हूं उसके बाद शेयर यहाँ पर एक सौ बारह रुपए एक सौ बत्तीस रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ हाँ पर गिरावट गिरावट और केवल गिरावट और और केवल पेंडेमिक में भी बात करें तो पंद्रह का शेयर केवल तीस का डबल ही होता हुआ दिखाई दिया कुछ ऐसा कोर्स इसने खास कमाल करके नहीं दिखाया है सबसे पहली बात ये हो गई अब अगर हम बात करें इसकी तो देखिए एक यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर एक कप विध हैंडल पैटर्न

Uh, यहाँ पर देखिए देखिये नंबर पोस्ट कर रही है तो यहाँ पर कंपनी ये जो है यहाँ पर जो शेयर प्राइस है कितने रुपए तक जा सकता है कंपनी का जो शेयर प्राइस है यहाँ से अच्छा खासा भाग के दिखा सकता है तो लगभग फिफ्टी फित्थ, फोर रुपीज तक जा सकता है जो कि ओवरऑल रिटर्न की अगर हम बात करें रिसेंट से तो कितने परसेंट के रिटर्न होते हैं तो ये रिटर्न होते हैं आपके 66% के तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसने यहाँ पर देखिए पहले भी यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर के लेवल पर आके नीचे आ गया पहली बात दूसरी बात की अगर बात करें यहाँ पर जो इसकी बुक वैल्यू है जो कि हमें दिखाई दे रही है 40 आ, यहाँ पर देखिए फोर्टी सिक्स रुपीज की यहाँ पर बुक वैल्यू दिखाई दे रही है तो फोर्टी सिक्स पर अगर हम बात करें इसके टारगेट तो सबसे पहला टारगेट तो इसका यही है जो यहाँ पर इसका आया था जो की लगभग अट्ठाईस है इसके बाद अगर इसकी दूसरा टारगेट बात करें तो यहाँ पर इकतीस है और इसके बाद फोर्टी जो यहाँ पर दिखाया था मतलब 28 परसेंट इकतीस परसेंट और फोर्टी सिक्सेंट तो 30 चालीस परसेंट का रिटर्न पर देगी फिर उसके बाद यहाँ पर 66 इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और नीचे की बात करें तो नीचे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट इसी लेवल पर हमें नजर आ रहा है तो यहाँ पर कंपनी परफॉर्म करके दिखा रही है धीरे धीरे अच्छी खासे यहाँ पर कर रही है शॉर्ट टर्म कहीं यहाँ पर चार्ट लिया है लॉन्ग टर्म की हम बात नहीं करेंगे अभी शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा यहाँ पर चार्ट पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पर ऊपर जाने के चांसेस अच्छे खासे हैं बट अपने रिस्क रिवॉर्ड रेश को देख के चलना है एज एज वेल ए कंपनी का यहाँ पर याद रखिएगा ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं है यहाँ पर और चीटों की बात कर तो यहाँ पर अच्छा खासा अपसाइड नजर आ रहा है और छोटी कंपनी है तो ज्यादा पैसे मत लगाना मैं भी यहाँ पर ज्यादा पैसे नहीं लगाऊंगा थोड़े से ही लगाऊंगा और देखेंगे यहाँ पर बट यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और जो मुझे वीडियो मिलेगी तो आपको वो आई बटन पे यहाँ पर लिंक दे दूंगा सो थैंक यू सो मच फॉर प्लस